जिज्ञासा के 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 माध्यम से खुशी। दोस्तों। बारे बारे में बात करते सर। future के बारे में बात बात करते थोड़ा सा uh, बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए पर संजीव सनियाल सर आया के वी सुब्रमण्यम सर आए। uh, हमने बात करी थी फ्यूचर के बारे में उनके साथ उन्होंने कहा कि बेस ऑफ फ्यूचर इज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा है देश में रोड ट्रांसपोर्ट तगड़े हैं फिर मैनुफैक्चरिंग बूस्ट हो सकती है अलग अलग बिजनेस सर्विस बिजनेस बूस्ट हो सकता है क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की भी एक चीज़ होती है तो फर्स्ट स्टेप इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंड स्टेप इज बिजनेस देश का फ्यूचर क्या है आपके अकॉर्डिंग आप किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो खुद ह्यूमन लेवल पर एज एन इंडियन देखिए मैं अपने ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एक वाक्य लिख के, के रखा है जी कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड वाटर पावर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब जब डेवलप होगा तो इंडस्ट्री आएगी ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी और इंडस्ट्री प्रगति करेगी तो इम्पोर्ट कम होगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा अब 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है और मेरा प्रयास है जो बहुत कठिन है असंभव नहीं है जिसको मेरा लाइफ मिशन है कि इस देश का किसान इस देश की इथेनॉल मिथेनॉल बायोडीजल बायो एल एन जी बायो सी एन जी इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन और अभी एविएशन फ्यूल भी किसान बनाएगा और वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है तो मैं ये मानता हूँ कि आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है वह है रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल रूरल इंडिया जो जंगल जल जमीन जंगल और जानवर पर आधारित और बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड अवेलेबल जो उसका उपयोग करके हम ग्रामीण का विकास करना चाहिए ग्रामीण कृषि इंडिया का एग्रीकल्चर और जंगल के हिंदुस्तान का विकास करना चाहिए अब एक बात समझो हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में 12 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन केवल एग्रीकल्चर एंड एल इंडस्ट्री का है बाईस से चौबीस परसेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है बावन से चौपन परसेंट सर्विस सेक्टर का है और गांधी जी कहते थे हमारा देश गांव में बसता है अब हमारे देश में गांव में जो बसता है उसमें गांधी जी जब थे तो एट्टी परसेंट लोग गांव में बसते थे अब पैंसठ परसेंट आए अब ये पच्चीस से तीस परसेंट लोग माइग्रेट हुए खुशी से नहीं हुए ये दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई बेंगलोर में आए हैं झोपड़पटिया ये गाँव से आए क्यों आए क्योंकि गाँव में अच्छे स्कूल नहीं गाँव में अच्छे रोड नहीं गाँव में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं गाँव में रोजगार नहीं किसानों के फसल के दाम नहीं और वहाँ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुई उस कारण लोग शहर में आए अब मुद्दा महत्व का ये है कि जिस दिन ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जी डी में कंट्रीब्यूशन बारह है ये जिस दिन चौबीस हो जाएगा उस दिन ये जो पैंसठ परसेंट पॉपुलेशन जो आई है अर्बनाइज हुई है इसमें से 10 परसेंट पॉपुलेशन माइग्रेट ग्रामीण इंडिया में जाएगी वापिस चल वापस चल जाएगी जाए। जल जमीन जंगल और जानवर अब मैं आपको एक बात बताता हूँ मैं अभी ये परली है राइस स्ट्रॉ ये जलाते थे अभी परली से बायो सी एन जी बायो एल एन जी हो रहा एक सौ फैक्ट्री प्रोसेस में है छत्तीस फैक्ट्री पूरी हुई है और देश का मेरा पहला ट्रैक्टर परली से बायो सी तैयार करके चल रहा है एक लाख रुपये किसानों की बचत है पानीपत में प्लांट खुला है एक लाख लीटर इथेनॉल बनता है डेढ़ सौ टन बायो बिटुमेन बनता है और उसके साथ अब बायो एविएशन फ्यूल बन रहा है अब ये बायो एविएशन फ्यूल पे हवाई जहाज चले गए अब मुझे बताओ कि इस देश का किसान इथेनॉल फ्लेक्स इंजन आ रहा है अभी टोएटो की गाड़ी सुजो की सब गाड़ी आ रही स्कूटर आ रही बजाज टी वी की हंड्रेड परसेंट इथेनॉल पर और ये जो फ्लेक्स इंजिन है इसमें है, आपको पोल्यूशन नहीं के बराबर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस अब यह सोलह लाख करोड़ के इंपोर्ट में से 5 लाख करोड़ बच के अगर गांव में जाएंगे और गांव में अगर ये सब डेवलप होगा ग्रीन हाइड्रोजन एथेनॉल मैथेनॉल बायोडीजल बायो एल एन जी बायो सी एन जी बायजिंग बायो टेक्नोलॉजी वी विल जेनरेट बायोमास और बायोमास मास जनरेट करके बायो सी एन जी बायो एल एन जी इथेनॉल बनेगा जी अभी ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी है हमने बहुत पीछे पढ़ा था अभी वहाँ एक बाम्बू से इथेनॉल बनता है तो वहाँ के एमडी मेरे पास आए थे हम तो नागपुर में एम में थे अब उधर गए तो हम बांग्लादेश को पाइपलाइन से पेट्रोल डीजल बेचते हैं आसाम से तो मैंने उनको कहा कि ये जो बाम्बू से इथेनॉल बनता है वो ट्वेंटी परसेंट पेट्रोल में डाल दो और बांग्लादेश बेच दो तो बांग्लादेश का पेट्रोल पाँच रुपये सस्ता होगा उनका पैसे की बचत होगी आपका इथेनॉल चल जाएगा तो आसाम और नॉर्थ ईस्ट में जितना बाम्बू है उससे इथेनॉल बनेगा तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा ग्रीन फ्यूल है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है

अभी तक इसमें आज अठारह साल हो गए उन्नीस साल हो गए मैं ये बात तब से करूँ मेरे पर लोगों ने विश्वास नहीं रखा मेरे पार्टी में नहीं रखा आई थिंक लोगों का विश्वास पूरी तरह से है आप पे अभी है हाँ। वो क्यो? इंटरनेट की वजह से हुआ नहीं नहीं वो हुआ इसका कारण अब पेट्रोल में बीस लीटर इथेनॉल डाल रहे हैं जी अब टोएटो की मैंने फ्लेक्स इंजन की गाड़ी लॉन्च की अब मेरे घर में हाइड्रोजन की गाड़ी है मैं तुमको चक्कर लगाऊंगा अभी नहीं 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 इसलिए नहीं मेरे पत्नी ने मुझे बोला मैंने बोला पानी से हाइड्रोजन होगा और गाड़ियाँ चलेगी ट्रक चलेगी तो मेरे पत्नी ने मुझे कहा कि तुम बोलते हो पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और गाड़ी चलेगी मेरा ही विश्वास नहीं तो लोगों का कैसे बैठेगा तो मैंने विक्रम किर्लोस्कर को फ़ोन करके हाइड्रोजन की गाड़ी लाई अभी आई यहाँ अब हर मुख्यमंत्री को चक्कर कटवा दो मैं वो okay. इसलिए कि उसका विश्वास हो जाए कि देश में हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन ब्राउन हाइड्रोजन ब्लैक हाइड्रोजन तैयार होगा पहले ग्रीन हाइड्रोजन ज़्यादा तैयार होगा केमिकल इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री हमारी सब कोल के बजाय और ऑयल के बजाय सब हाइड्रोजन पे चलेगा हमारा हवाई जहाज़ बायो फ्यूल पे जाएगा जो किसान तैयार करेगा और 80 लाख टन का बिटुमिन हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट तेराडून अपना जो हिंदुस्तान का जो है वो जी। और सेंट्रल रिसर्च और रिसर्च किया और बायो विटमिन बनाया एट फीचर्स उसमें अच्छे हैं इस देश का किसान अन्नदाता है अब ऊर्जादाता बन गया अब बिटुदिन बिटूबिन दाता बन गया और बायो एविएशन फ्यूल दाता बनेगा और इस देश में गेहूँ चावल मक्का लगा के किसान का भविष्य नहीं बदल सकता फिर गांव समृद्ध होंगे स्मार्ट शहर के बजाय स्मार्ट विलेज बनेंगे गांव में सी बी एस सी के अच्छी स्कूल होंगी अच्छा अस्पताल होंगे अच्छे डॉक्टर होंगे गांव में 24 घंटे पानी मिलेगा 24 घंटे बिजली होगी और किसान को उसके फसल के लाखों में पैसे मिलेंगे तो गांव का आदमी कोई शहर में नहीं आएगा तब जो हिंदुस्तान का विकास होगा तब आत्मनिर्भर भारत बनेगा और हमारा इंपोर्ट कम होगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हिंदुस्तान दुनिया की महाशक्ति बनेगी ट्वेंटी थर्टीज़ की बात है ट्वेंटी थर्टीज एक रियल एक हमारे यहाँ एक हम जिनको मानते थे एक धत्तोबंद ठेंगड़ी करके बहुत बड़े थिंकर थे जी बहुत बड़े थिंकर थे तो उन्होंने एक बात अच्छी कही थी कि एवरी पोलिटिशियन थिंक्स अबाउट इस नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर हु थिंग्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी ये कितने समय में होगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज जिन नीतियों पर हम और हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है तो दस एक साल के में आपको ऐसे परिणाम निकलेंगे कि परिस्थितियाँ बदलती हुई एकदम दिखेगी वैसे आज ही बदल रही है और दिखेगी और धीरे धीरे उसमें चलते आएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा आप मुझे बताओ लॉजिस्टिक कॉस्ट चौदह से सोलह परसेंट है हमने अच्छे रोड बनाए फिर पेट्रोल डीजल के बजाय इथेनॉल आया एल आया सी आया इलेक्ट्रिक की गाड़ी आई बस आया हाइड्रोजन की गाड़ी आई अभी वो ट्रॉली पर इलेक्ट्रिक हाईवे बन रहे तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट दो साल के अंदर मेरी कोशिश है इट्स नॉट माय कमिटमेंट ना इधर माई डिक्लेरेशन क्योंकि मैं साफ साफ बोलने वाला हूँ दो दो <laughs> साल के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट में छत्तीस ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ और ऐसे नहीं तो नौ परसेंट पाएंगे सिंगल डिजिट पे तो सोलह परसेंट से नौ परसेंट आएगी तो छः परसेंट सात परसेंट का आपकी बचत हो गई तो एक्सपोर्ट मार्केट में आपका पोटेंशियल बढ़ेगा मैं जब मंत्री बना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो थी वो साढ़े लाख करोड़ की थी मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब अब बीच में दो महीने पहले तक हम लोग चौथे नंबर पर थे आज हम जापान को पीछे डालकर तीसरे नंबर पर आए साढ़े बारह लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनी साढ़े चार करोड़ लोगों को जॉब मिला और राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री है अब मुझे बताइए कि आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से एटोबेल इंडस्ट्री जो साढ़े बारह लाख करोड़ की है और हमारा उद्दिष्ट है मिशन है फिर टारगेट है नॉट डिक्लेरेशन कि हमारे देश में देश को पहले नंबर पर ले जाए अब पहले नंबर पर है कौन अमेरिका दूसरे नंबर पर चाइना तीसरे नंबर पर इंडिया अब हमको पच्चीस लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनानी है हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई रबर रबर पाउडर प्लास्टिक स्टील एल्युमिनियम कॉपर सब रिसाइकलिंग हो रहा तो कंपोनेंट की कीमतें तीस परसेंट कम हो जाएगी तो हम और एक्सपोर्ट में इधर ये सात परसेंट लॉजिस्टिक में कम हो गया इसमें पच्चीस तीस परसेंट कम होगा तो वर्ल्ड में ट्रक बस कार, ट्रैक्टर स्कूटर हमारे देश से सस्ती कहीं मिलेगी नहीं और क्वालिटी में हम बेस्ट रहेंगे आज बजाज टी और हीरो पचास टक्के प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ ऐसा होगा प्रोडक्शन बढ़ेगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा रोजगार निर्माण होगा गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा इकोनॉमी ग्रो होगी वेल्थ बढ़ेगी और हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत बनेगा स्मार्ट विलेज नहीं स्मार्ट सिटीज नहीं स्मार्ट विलेजेस बनेंगे गांव गरीब मजदूर किसान गरीबी रेखा के ऊपर आएंगे गरीबी भूखमरी बेरोजगारी से मुक्त होंगे और सुखी समृद्ध संपन्न, शक्तिशाली विश्व गुरु जैसा हिंदुस्तान बनेगा ये हमारा रोड मैप है कोशिशें हैं मुझे लगता है ये संभव होगा ठीक okay. सर um, मतलब आपने इस ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर uh, के फेज़ से बहुत कुछ सीखा होगा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक एंड विजन तो होगी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर रोड्स को लेकर या ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है मतलब जितने भी हाईवे बनी है कुछ एंड पॉइंट इम्पॉर्न सच बताओ बोलो सर मैं सोमवार मंगलवार बुधवार यहाँ रहता हूँ जी सोमवार सुबह उठता हूँ तो यहाँ आता हूँ बुधवार को काम खत्म करके गुरुवार को कोई देश में दौरे करके हूँ नागपुर जाता हूँ रात को एक ही सोचता हूँ कि आज क्या खाना है दूसरा महत्वपूर्ण विचार कोई नहीं होता मैं जो देखता हूँ वो करता हूँ चलते रहता हूँ तुम्हारे जैसे जो विद्वान अच्छे भाव में बोल रहा हूँ चिंतक है सोचने वाले हैं विद्वान हैं उनके ऊपर सब सौंप दिया <laughs> <laughs> तुम सोचो और करो और तो मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ थर्ड क्लास में पिक्चर देखता था और फुटपाथ पर खाती हुई जिंदगी मुझे याद है कि एक बार ओबेरा शेरिटोन में, में मेरा सत्कार हुआ था मुझे अवार्ड दिया गया पूरे बिल्डर ऑफ इंडिया ने तब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैं मेरी लायकी बोलो या मेरा स्वभाव बोलो वहाँ मेरे लिए भोजन था मैंने वहाँ सूप पिया कुछ नहीं पिया और बराबर गिरगाँव चौपाटी आके फुटपाथ पर खाया तो फुटपाथ पर खाने वाला हूँ थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला हूँ और ड्रामा पीछे से देखने वाला हूँ उस okay. क्लास से आया हूँ okay. तो इतना ना सोचता हूँ अभी इतना ही मुझे लगता है व्हाट एयर द बेस्ट विच आई कैन डिलीवर टू दिस कंट्री एंड द सोसाइटी वाट आई बिलीव दैट पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म गांव गरीब मजदूर किसान और सामान्य व्यक्ति के जीवन को सुसैया करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ करूँ इलेक्ट्रिक हाईवे बना कर मैं मेरा सपना क्या है कि बस होगी बिजनेस क्लास की सीट होगी एयर होस्टेज जैसी लड़की होगी चाय कॉफी समोसा मिलेगा दो घंटे में दिल्ली जयपुर सवा दो घंटे में होगा और उसमें लैपटॉप पर वो देखेंगे और सो के जाएगा और टिकट रेट डीजल बस से तीस परसेंट कम होगा तो मैं अभी मैं दिल्ली में यू आर टू बना रहा हूँ और मैंने तीस लाख टन कचरा रोड में हमने डाल दिया मेरे को खुशी हुई जी मैं इस देश का पूरा कचरा डालना चाहता हूँ क्योंकि मैं इन्वायरमेंट प्रो हूँ इस देश में बम्बू का क्रैश बैरियर सक्सेसफुली हुआ अब रबर का जो टायर है इम्पोर्ट करके उसकी पाउडर बनाकर वो पेट्रोल में अपना विटमिन में डालकर कम से कम पंद्रह लाख टन इम्पोर्ट कम होगा और रबराइज विटमिन मार्केट में आएगा क्वालिटी सोच जाएगी रोड की और ये पंद्रह हज़ार पंद्रह लाख टन जो होगा इससे रोज़गार मिलेगा वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ दो चीज़ें मैं कहता हूँ इनोवेशन एंटरप्रिनरशिप साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिस वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इन टू वेल्थ इज द फ्यूचर दूसरी बात कहता हूँ नो मटेरियल इज वेस्ट नो पर्सन इज वेस्ट इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इन टू वेल्थ जी तो आप काम करते रहो और ये देश में ट्रिमेंडस क्षमता है दोस्तों टी आर एस क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टी आर एस हिंदी बहुत जल्द